हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गोभी के सब्जी, गोभी के पकौड़े, गोभी के हर चीज खाते हैं, लेकिन डंठल को क्या करते हैं पता है आपको? डंठल का भी बहुत ही अच्छा रेसिपी बनते हैं, तो हम बनाएंगे उनसे अचार जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। शुरू करते हैं गोभी का डंठल के लिए। हम अचार बनाने के लिए हम देखिए किस तरह से गोभी को कट कर लिए हैं, जो कि हम गोभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रख भी लिए हैं, इनमें डालेंगे। इनका अचार बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इनको अगर लेते हैं तो आप फेंके नहीं, हम लोग जान करके लेते हैं ताकि इनका हम सब्जी बना सके। सब्जी भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम इस तरह से इनका जो थोड़ी सी रेशे होते हैं इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों बगल से इस तरह से हमको निकालना है रेशा, बस ऊपर का हिस्सा का। इसी तरह से हम एक बॉल में देखिए रखते जाएंगे। तो ये दूसरा भी हम आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे रेशा निकाल लेना है बिल्कुल अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होते हैं। इनके सामने मूली के अचार फीके पड़ जाएंगे। तो कितने फ्रेश हम इनको देखिए, बारीकी सारे रेशे हम निकाल लिए हैं। इनमें हम डाल देते हैं ये गोभी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये ब्लड शुगर लेवल को, जो इनका डंठल है वो कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन को बढ़ाते हैं। तो आप लोग इतना सारा गुनी चीज को फेंक देते हैं और गोभी को खाते हैं। गोभी खाइए, उनमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम फ्रेश पानी से इस तरह से धो लेंगे। पर इनसे सोचिए कि जब इतना ये काम के चीज है, तो हम इनको अचार के साथ, अचार बना करके, सब्जी बना करके हम खा सकते हैं। यहाँ पे इनको हम धो करके ले लेते हैं। अब हम सीधे बॉयल करेंगे इनको, हाफ बॉयल करेंगे। तो हम गैस पर चढ़ा दिए हैं पानी। चलिए, तो पानी हम यहाँ पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेजिटेबल को, डंठल को, हम गोभी के डंठल को जो हम कट करके धो लिए थे, हम इनको अच्छे से पानी में ले लेते हैं। और 1 चम्मच नमक, क्योंकि अगर हमको तुरंत खाना होगा तो तुरंत खा सकते हैं। यहाँ पे इनको हम 5 मिनट तक बॉईल होने देते हैं। तो 5 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गए ये, और हमको ज़्यादा इनको, ये देखिए बस इतना ही, हाफ बॉइल हाफ करना है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं छन्नी में, गैस कर देते हैं ऑफ। और यहाँ से हम इनको सारे को, पानी बिल्कुल इनमें नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से हम छन्नी में ही छानेंगे। सारे को निकाल करके अब हम मसाला की तैयारी करेंगे। तो इसी तरह से हम छान लिए हैं। तो हम यहाँ पे हम लेंगे काली राई, मात्र हल्दी लेकर के 4 मसाले से हम अचार को तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे 2 भर के चम्मच काली राई यानी कि काली मस्टर्ड, और 1 चम्मच भर के अजवाइन। यहाँ पे तीखा अनुसार हम लेंगे 6 से 7 सूखी मिर्च। डंठल सहित हम लेंगे, तो आपके पास जितना हो गोभी के डंठल उसके हिसाब से आप मसाला तैयार कर लीजिएगा। हमारे पास कम था तो हम कम ले रहे हैं, इनमें में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम इनको अब 2 मिनट भून लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, गैस के कर दिए हैं बंद। अब इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ले लेते हैं ताकि अच्छे से ही ठंडा हो जाए। यहाँ पे मसाला अब ठंडा हो गया है, हम ले लेते हैं मिक्सर जार में, मसाला को पीस लेते हैं हम। और इन्हें हम पीस लेते हैं, थोड़ा दरदरी पीसेंगे हम। यहाँ पे हम मसाला को पीस लिए हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इनको लगातार मत पीसिएगा, बीच बीच में रुक रुक करके पीसिएगा, तभी ये जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे मसाला होंगे। तो जो छन्नी से हम निकाले थे अचार बनाने के लिए गोभी के डंठल, उनको हम एक सूती कपड़ा में पानी सुखाने के लिए रख लिए थे। देखिए काफी सारा पानी इनमें आए हैं। अब हम एक बॉल में इनको ले लेते हैं, कुछ इस तरह से हम ले लेंगे। इनमें बहुत सारा पानी जो है इनमें आ गए हैं। ये देखिए, अब हम जो पीसे हुए मसाला हम इनमें ले लेते हैं। अब हम इनमें लेंगे हल्दी, कलर के लिए हल्दी 1 भर के चम्मच, और थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक,
ताकि अचार में नमक थोड़ा तेज होते हैं तो अच्छा लगते हैं। हम यहाँ पर लेंगे तेल, जो कि मुश्किल से 3 से 4 चम्मच हम तेल लेंगे, क्योंकि ये हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर अभी आपको तुरंत खाना है तो 1 लेमन जूस अपने सामग्री अनुसार लीजिएगा, ज्यादा है तो 2 लीजिएगा और कम है तो 1 लीजिएगा। तो 1 लेमन जूस जो कि अभी खाना है, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, सब लोग को अभी चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया बने हैं ये अचार। आप चाहे तो और सारा ला करके बनाइए और एयर टाइट कांच का बोतल में इनको रखें। अगर अभी खाना है तो कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल पर एक जार में रख दीजिए या कटोरे में रख दीजिए, कांच के कटोरे में। जो आएंगे खाएंगे, क्या बात है, उनका वाह वाही सब आप ही को मिलेगा। तो अचार बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट। गोभी के डंठल का अचार बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इनको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी लगते हैं। आप कभी कभी मूली का अचार इनके सामने भूल जाएंगे, पर मूली का अचार भी बहुत टेस्टी होते हैं। गोभी का डंठल का अचार इस तरह से लगा करके देखिए। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।